हेलो एवरीवान वेलकम टू रॉक्स यूट्यूब चैनल फार्मार रॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है सो इन टूडेज वीडियो लेक्चर वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट द टॉपिक फार्मेंटेशन सो दिस इज अवर पार्ट टू वीडियो लेक्चर ऑन दिस टॉपिक फार्मेंटेशन एंड वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट सम मोर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इन दिस लेक्चर सो लेट्स इन दिस लेक्चर सो so, फर्मेंटेशन कि फर्मेंटेशन क्या है सबसे पहले तो उसकी डेफिनेशन आपको अच्छे से याद रखनी है कि फर्मेंटेशन की जो हमने पार्ट वन के अंदर भी सीखा था कि फर्मेंटेशन क्या है तो फर्मेंटेशन इज़ ए मेटाबॉलिक प्रोसेस दैट प्रोड्यूस द केमिकल चेंजेस इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस थ्रू द एक्शन ऑफ एंजाइम्स कि फर्मेंटेशन के अंदर यूजअली हम क्या करते हैं कि जो भी अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज़म से उसको यूज़ करके जो है डिफरेंट प्रोडक्ट्स डेवलप करते हैं कि एक टाइप के मेटाबॉलिक प्रोसेस ही है कि जिसके अंदर जो अलग अलग ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं कि उनमें हम केमिकल चेंजेस करते हैं और जो हमें प्रोडक्ट चाहिए वो डेवलप करते हैं थ्रू द एक्शन ऑफ एंजाइम्स तो वो कैसे कि ये आपके पास से ये शुगर है तो एक हो गया आपके पास एक ऑर्गेनिक सबस्टेंस हम कहते हैं तो ये है हमारा ऑर्गेनिक सब्सटेंस साथ में है हमारे पास ये यीस्ट वो हो गया हमारे लिए माइक्रोब कि जो प्रोड्यूस कर सकती है माइक्रोबियल एंजाइम साथ में हम ऑक्सीजन माइनस मतलब कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये प्रोसेस करेंगे ऑक्सीजन की एब्सेंस के अंदर तो हमें क्या प्रोडक्ट्स मिल रही है तो यहाँ पे हमें मिल रहा है अल्कोहल वो है हमारी एंड प्रोडक्ट कि जो हमें फाइनल प्रोडक्ट चाहिए वो है हमारे पास अल्कोहल और गैस जनरेट हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड तो क्या हुआ एक टाइप का केमिकल चेंजेस हुआ शुगर के अंदर थ्रू एंजाइमेटिक एक्शंस ऑफ दिस माइक्रोब यस्ट और जिसके कारण हमने सुगर के अंदर केमिकल चेंजेस करके प्रोड्यूस किया सुगर में से ये आल्कोहल तो ये प्रोसेस है फर्मेंटेशन की कि प्रोसेस ऑफ ग्रोविंग द माइक्रो ऑर्गेनिजम इन ए न्यूट्रियट मीडिया कि जो फरमेंटेशन के लिए जो हम मीडिया यूज़ करते हैं उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम के ग्रो करवाते हैं बाय मेनटेनिंग फिजिको केमिकल कंडीशंस एंड देआर बाय कन्वर्टिंग फीड इन टू डिज़ायर एंड प्रोडक्ट की हमारे ये जो एग्ज़ाम्पल है उसके अंदर फीड के तौर पर यह हम फीड कहें कि शुगर और लास्ट में एंड प्रोडक्ट कि जो हमारा अल्कोहल है वो हमारा एंड प्रोडक्ट है तो अलग अलग न्यूट्रियट मीडिया के अंदर फेवरेबल कंडीशंस प्रोड्यूस करके हमने लास्ट में हमारी डिजायड प्रोडक्ट की जो अल्कोहल ही हमें डेवलप करना था इथेनॉल तो वो हमने डेवलप कर लिया तो जो जनरल रिक्वायरमेंट्स चाहिए फर्मेंटेशन करने के लिए तो जो हमने सीखा था कि रिक्वायरमेंट ऑफ फर्मेंटर कि जिसको फर्मेंटेशन का हार्ट कहा जाता है इट इज़ ए हार्ट हार्ट ऑफ फर्मेंटेशन कि जो हमें फर्मेंटेशन करना है तो फर्मेंटेशन प्रोसेस का जो हार्ट है वो है हमारा फर्मेंटर उसके साथ जरूरी है न्यूट्रिशनल मीडिया फर्मेंटर के अंदर ऐड करने के लिए सेकंड प्रायोरिटी में चाहिए न्यूट्रिशनल मीडिया और फर्मेंटेशन फिर इसके अंदर हम अलग अलग एनवायरमेंट प्रोड्यूस करेंगे और ऐसा एनवायरमेंट की जो है कॉन्टामिनेसन फ्री कि कोई भी टाइप का माइक्रोबियल कॉन्टामिनेशन ना हो असेप्टिक कंडीशन मेंटेन हो टेम्परेचर मेंटेन कर सके एजिटेशन एरेसन पीएच वगैरह फिर जो ऑक्सीजन डिजोल्व हुआ है वो आप मॉनिटर कर सके फर्मेंटेशन मीडिया के अंदर तो इस तरह से होता है ये फर्मेंटर की ये जो है स्टेनलेस स्टील या फिर ग्लास की पर्टिकुलरली क्या होती है टैंक तो ये टैंक है टैंक के ऊपर उसका ये कवर या फिर उसकी प्लेट कवर और प्लेट जो कह सकते हैं फिर ये बीच में जो है उसका अच्छे से सील क्लैम्प से अच्छे से सील किया जाता है फिर जो कवर है उसके अंदर अलग अलग इनलेट्स दिए हैं। ये आप देख सकते हैं अलग अलग इनलेट तो एसिड बेस इनलेट न्यूट्रिएंट इनलेट मोटर है एरेटर वाला इनलेट है मोटर से ये स्टरिंग पैडल्स जो है वो एजिटेशन करेंगे सेंसर के लिए अलग अलग पॉट दिए हैं वाटर जैकेट दिया हुआ होता है प्रोडक्ट का आउटलेट और एग्जॉस्ट आउटलेट ऐसे दो आउटलेट भी है तो इस तरह से फर्मेंटर तैयार होता है उसके ये जो पार्ट जो मैंने आपको समझाया कि न्यूट्रिएंट का इनलेट सेंसर के लिए हीट के लिए ऑक्सीजन वाटर जैकेट प्रोडक्ट के लिए स्टरिंग एंड ऑल्सो फॉर स्टरिंग के लिए जो एजिटेटर है उसके लिए जरूरी है मोटर फिर फर्मेंटेशन मीडिया की माइक्रोब्स और यू सेल्स यूज फर्मेंटेशन ग्रो इन स्पेशली डिजाइन ग्रोथ मीडियम कि ये जो फर्मेंटर ही है दिस इज ऑल्सो अ फॉर्मेंटर बट ये फर्मेंटर है उसका जो वैसल है वो कौन से मटेरियल का है ग्लास वैसल है तो जिसके अंदर हम जो भी फर्मेंटेशन मीडिया सेट किया है वो इजिली हम चेक कर सकते हैं कि यह है उसके अंदर मीडिया कि जो कहा जाता है फर्मेंटेशन मीडिया यह है उसका हमने देखा कि साप्ट और नीचे तक जाकर यह मीडिया को क्या करता होगा वो एजिटेशन प्रोवाइड करता होगा और यह मीडिया के अंदर जो भी हमारी माइक्रोब्स से उनको न्यूट्रिशन मिल रहे मिले उसके लिए सप्लाई द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर बाय द ऑर्गेनिजम्स और सेल जो भी यूकैरियोटिक सेल है या फिर माइक्रोब्स है कि जिनको अपने आ, अच्छे से ग्रोथ करने के लिए जरूरी है न्यूट्रिशन तो वो न्यूट्रिशन हम सप्लाई करते हैं बाय दिस फर्मेंटेशन मीडियम सो अ वैरायटी ऑफ मीडिया एग्जिस्ट बट इन वेरिएबिलिटी कंटेन द कार्बन सोर्स नाइट्रोजन सोर्स वाटर सॉल्ट एंड माइक्रो एक्सेट्रा उसके अंदर की इंग्रेडिएंट्स रहेंगे मीडिया बनाने के लिए अंदर कि मीडिया जब आप बनाओगे तो व्हीकल पे तो और पे ऑब्वियसली वाटर यूज़ करेंगे और ये वाटर के अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स के लाइक नाइट्रोजन कार्बन सॉल्ट्स है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह को क्या करोगे उसके अंदर डिजोल्व कराओगे और इस तरह से आपका न्यूट्रिशनल मीडिया की जिसको हम फर्मेंटेशन मीडियम कहते हैं वो आप तैयार करोगे तो इस तरह से कि आपके पास यस्ट है आपका मीडिया हो गया सुगर है फर्मेंटर है तो फर्मेंटर करके सुगर का जब आप यस्ट को यूज करके फर्मेंटेशन कराओगे तो आपको मिलेगा अल्कोहल और जो अल्कोहल आप मिलता है उसको आप सेपरेट करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं प्यूरिफाई करते हैं स्टराइल करते हैं स्टोरेज एंड फिर उसको अच्छे से सप्लाई करेंगे तो ये प्रोसेस फ्लो आप याद रख सकते हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस का अब अच्छे से जो हमें सीखना है वो है फर्मेंटेशन के अलग अलग टाइप्स के कौन से अलग अलग टाइप्स के फर्मेंटेशन प्रोसेस अवेलेबल है तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है वो है एरोबिक फर्मेंटेशन पहले हम क्लासिफिकेशन सीख लेते हैं अच्छे से कि एरोबिक फर्मेंटेशन सेकंड इज अन एरो आफ्टर दैट थर्ड इज़ द लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन तो ये है टाइप बेज ऑन कि जो सेल की जो रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है उसके बेसिस पे ये तीन टाइप्स पड़ेंगे एरोबिक अन एरोबिक एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन सेकंड है कि टाइप बेस्ड ऑन अ कल्चर टाइप्स बेज ऑन कल्चर तो उसके भी तीन अलग अलग टाइप है वन है बैच फर्मेंटेशन कंटिन्यूस फर्मेंटेशन एंड थर्ड इज द फैड बैच फॉर्मेंटेशन तो ये छह जो टोटल टेक्निक हो गई है सभी के बारे में हम डिटेल में अब सीखेंगे तो उससे पहले एक यहाँ पे एक चार्ट दिया है उस पर हम एक जस्ट ध्यान देते हैं कि समझो कि आपके पास ग्लूकोज होता है तो ग्लूकोज में से ग्लाइकोलिसिस के थ्रू पायरुवेट बनता है तो ये पायरुवेट को आप अलग अलग तरीका से यूटिलाइज कर सकते हैं कि लाइक समझो कि आप माइक्रोब यूज़ करते हैं एस्पारजिलस और लैक्टिक एसिड के थ्रू उसका फर्मेंटेशन करवाते हैं या फिर लैक्टिक एसिड यूज करते हैं साथ में तो एस्पारजिलस को यूज करके आप सोया सॉस जो है वो डेवलप कर सकते हैं फिर मैं समझो कि एस्पारजीलस की जगह रिप्लेस कर देता हूँ लैक्टोबेसिलस माइक्रो ऑर्गेनिजम सेम मेरे पास सब्सट्रैक्ट तो मेरे पास है ये देख लो सब्सट्रैक्ट या फिर सब्सट्रैक्ट को सिंपल वर्ड में मैं कहूँगा हमारा स्टार्टिंग मटेरियल साथ में ये हो गई हमारी माइक्रोब दिस इज द फीड तो एंड प्रोडक्ट मुझे क्या मिल रही है तो ये हम कह सके उसकी एंड प्रोडक्ट्स तो सोए सॉस से लेकर ये सभी एंड प्रोडक्ट्स है तो यहां पे देखिए जब आप लैपटॉप को रिप्लेस करते हैं तो हम चीज़ या फिर योगर्ट वग़ैरह बना सकते हैं फिर सेक्रोमाइसिस की जो स्पीसीज़ हम यूज़ करते हैं कि लाइक यीस्ट वग़ैरह हम यूज़ करते हैं तो उस वक्त आप इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करके बियर बना सकते हैं इथेनॉल सिर्फ यूज़ करके वाइन डेवलप कर सकते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड वग़ैरह यूज़ करके यीस्ट के साथ आप ब्रेड जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं तो कॉन्सेप्ट सेम है बट जब आप सबस्ट्रैक चेंज करते हो माइक्रोबियल्स चेंज चेंज करते हो तो आपकी एंड प्रोडक्ट भी चेंज होती है तो यही डिपेंड करता है ये अलग अलग कंडीशन की एरोबिक फर्मेंटेशन ऑन एरोबिक लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बैच फर्मेंटेशन, कंटिन्यूस एंड फेड बैच तो ये टोटल क्लासिफिकेशन आपके लिए है मोस्ट आई मोस्ट आईएमपी में कहूंगा फॉर एमसीक्यू, एमसीक्यू एज वेल एज जब आप थियरी लिखोगे थियरी बेस्ड एग्जाम उसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है कि मोस्ट आईएमपी टॉपिक एमसीक्यू एज वेल एज थियरी बेस एग्जाम की क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि डिफाइन फर्मेंटेशन एंड डिस्कस अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन तो उस वक्त आपको ये सब टाइप्स जो है वो डिस्कस करने हैं तो सबसे पहले जानते हैं एरोबिक फर्मेंटेशन के बारे में तो एरोबिक फर्मेंटेशन क्या है तो एरोबिक मतलब कि कैसे कंडीशन की ऑक्सीजन जब प्रेजेंट होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस से तो वो कंडीशन कही जाती है एरोबिक कंडीशन। और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो फर्मेंटेशन होता है वो हम कहेंगे एरोबिक फर्मेंटेशन

ऑक्सीजन इन द प्राइमरी और फर्स्ट स्टेज ऑफ फर्मेंटेशन कि जब आप फर्मेंटेशन से वाइन डेवलप करते हैं बियर है एसिटिक एसिड है विनेगर की लाइक एप्पल सीडर विनेगर वगैरह डेवलप करते हैं तो उसकी जो प्राइमरी स्टेज है प्रोसेस का तो प्राइमरी स्टेज के अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस जरूरी है टू ग्रो द माइक्रोब्स वेन क्रिएटिंग एसिटिक एसिड या फिर एसिटिक विनेगर फॉर एक्जाम्पल एक्सपोजिंग द सर्फेज ऑफ द विनेगर टू एज मच एज ऑक्सीजन एज पॉसिबल कि जब फर्मेंटेशन आप कर रहे हैं तो उसकी ये जो सरफेस होगी तो यहाँ पे तो समझो कि लिक्विड है बट ऊपर की ओर जो एयर होगी तो ये सरफेस पर जो भी एसिटिक एसिड है सरफेस के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स होंगे कहाँ पे सरफेस पर तो हम ऐसा चाहेंगे कि जितना से ज़्यादा ये सरफेस के मॉलिक्यूल ये ऑक्सीजन वाली एयर के कांटेक्ट में आए तो उससे क्या होगा कि क्रिएट से हेल्दी एंड फ्लेवरेबल विनेगर विथ द करेक्ट पी जब आप इस तरह की कंडीशन से एसेटिक विनेगर डेवलप करते हैं तो काफ़ी वो फ्लेवरेबल विनेगर बनता है विथ द करेक्ट एच आगे जानते हैं एरोबिक uh, के बाद नेक्स्ट कि की एरोबिक मतलब कि ऐसी कंडीशन की वहां पे ऑक्सीजन की एब्सेंस है ऑक्सीजन जो है वो यहां पे प्रेजेंट नहीं है तो ये कंडीशन को हम कहते हैं अन एरोबिक कंडीशन की एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन सो अन एरोबिक फर्मेंटेशन विच इज ए कॉमन टू ऑल बैक्टीरिया एंड यू कि जितने भी बैक्टीरिया है प्लस जो ये यू क्वरियट्स है उसके अंदर ऑनरेबिक फर्मेंटेशन पाया जाता है जिसके अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस दैट कन्वर्स कार्बोहाइड्रेट कि यहाँ पे हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल के तौर पे क्या होगा कोई भी कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग मटेरियल की समझो कि हमारे पास है ये सूगर तो ये जो शुगर है उसका समझो कि आप ओनरबिक फर्मेंटेशन करते हैं तो आपको क्या मिल सकता है एक मैं इस तरह से आपको दिखाऊं तो एक आप डेवलप कर सकते हैं ऑर्गेनिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड के अलावा साथ में गैसेस के लाइक समझो कि मैं कार्बन डाइऑक्साइड डेवलप होता है और थर्ड अल्कोहल। और अल्कोहल में भी स्पेशली जो हम कहते हैं कि इथेनॉल जो है हम डेवलप कर सकते हैं तो ये फर्स्ट पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मतलब कि ऑन फर्मेंटेशन सेकंड कि ऑन फर्मेंटेशन यू कैरियट एंड प्रो कैरियट मतलब कि प्रो कैरियट मतलब की जो बैक्टीरिया और यू कैरियट मतलब कि जो रेगुलर सेल्स होते हैं उनके अंदर एक मेटाबॉलिक प्रोसेस होगी अनैरोबिक कंडीशन में मतलब कि ऑक्सीजन की एब्सेंस के अंदर कि शुगर या फिर फर्मेंटेशन के लिए मैं एफ लिखता हूँ और ओ टू के लिए आगे माइनस लिख लेता हूँ मतलब कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में मैंने जो प्रोसेस करवाई है फर्मेंटेशन की तो जिससे मुझे मिलेगा ये ऑर्गेनिक एसिड गैसेस एंड अल्कोहल अंडर अनेरोबिक कंडीशन सो कंडीशन में अब ऑक्सीजन तो यूज नहीं होता तो जो सेल है वो यूटिलाइज क्या करते हैं वो जानना जरूरी है तो वो यहां पे आप सीख सकते हैं ये वाले थर्ड पॉइंट के अंदर तो थर्ड पॉइंट के अंदर आप अच्छे से ध्यान रखिए दिस इज द हवर थर्ड पॉइंट तो उसमें क्या लिखा है कि फर्मेंटेशन इज अ मेथड सेल्स इज ए मेथड इन दैट सेल्स यहां से समझो कि आप इन्वर्टर कोमा कर देते तो सेल्स यूज टू एक्सट्रैक्ट एनर्जी सेल्स यूज टू एक्सट्रैक्ट एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट और कार्बोहाइड्रेट में से हम वो एनर्जी लेने का स्टार्ट करेंगे या फिर कार्बोहाइड्रेट में से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करते हैं वेन ऑक्सीजन और अदर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आर नॉट अवेलेबल कि ऑक्सीजन या फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स अवेलेबल नहीं है उसके आसपास के एनवायरनमेंट में तो जो सेल है वो क्या करेंगे कि जो सुगर है कि कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में सुगर के फॉर्म में जो कार्बोहाइड्रेट है उसको यूटिलाइज करके अलग अलग तीन प्रोडक्ट्स डेवलप कर सकते हैं कि चाहे आप ऑर्गेनिक एसिड डेवलप करते हैं गैस मतलब कि सीओ टू डेवलप होता है या फिर आप डेवलप कर सकते हैं इथेनॉल कि समझो कि मैं सुगर के तौर पे यहां पे ले रहा हूं ग्लूकोस, ऑक्सीजन की एब्सेंस में प्रोसेस करवा रहा हूं ये फर्मेंटेशन कि जो कहा जाएगा अन फर्मेंटेशन तो ये एक एग्जांपल एक है यहाँ पे कि यीस्ट एंड सर्टेन बैक्टीरिया परफॉर्म इथेनॉल फर्मेंटेशन कि यहाँ पे मेरे पास सिंपल सुगर है ग्लूकोस ग्लूकोस का कन्वर्ट होता है पायरुवेट के दो मॉलिक्यूल्स के अंदर जिसके अंदर ई कन्वर्ट होता है ए के अंदर कि ए के दो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं और ये प्रोसेस को हम सिंपल जो ग्लाइकोलिसिस की जो प्रोसेस होती है तो ग्लाइकोलिसिस से जो हमें पायरुवेट्स मिलते हैं वह पायरुवेट एरोबिक कंडीशन के अंदर समझो कि उसका फॉर्म फॉर्मेंटेशन होता है फर्दर तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे मिल गए आपको गैस और अल्कोहल पे तौर पे हमें मिलता है ये इथेनॉल के दो मॉलिक्यूल्स तो बीच में ये जो प्रोडक्ट है एसिटाल्डिहाइड इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है और वो फाइनल कन्वर्ट होती है इन्हें इथेनॉल तो ये प्रोसेस फ्लो आपको याद रखना है मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए तो एग्जाम के लिए अच्छे से ये पॉइंट याद रखिए वेयर पायरूवेट फ्रॉम ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म इज ब्रोकन इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड कि यहाँ पे हमने लिया है यीस्ट को कि अल्कोहल का फर्मेंटेशन करवाया इन येस्ट कि फर्मेंटेशन से अल्कोहल प्रोड्यूस हुआ स्टार्टिंग मटेरियल हमारा था ग्लूकोस और एंड प्रोडक्ट है हमारी इथेनॉल इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है टू एसिटाल्डिहाइड के समझो कि एमसीक्यू के अंदर आपको पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द अल्कोहल फर्मेंटेशन अकर्स इन यीस्ट इन अनैरो कंडीशन उस वक्त आपको अलग अलग ऑप्शन दिए हैं, तो आपको सिलेक्ट करना रहेगा ये एसिडालीहाइड ऑप्शन सो इथेनॉल इज प्रोड्यूस हियर एज अ एंड प्रोडक्ट तो ये है अन फर्मेंटेशन टेक्निक आगे है नेक्स्ट लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन तो लैक्टिक एसिड जो हमें बनता है कि जो ग्लूकोज है उसमें से ये देख सकते हैं कि ग्लूकोज है आपके पास तो सिंपल ग्लूकोज का जब मेटाबॉलिज्म हुआ तो दो मॉलिक्यूल बनते हैं ये पायरुवेट का एटीपी एडीपी में से दो एटीपी बनते हैं कि जो टू नेट एटी मिलते हैं और वो जो स्टेप कहा जाता है ग्लाइकोलिसिस अब ये जो पायरुवेट है फर्दर कन्वर्ट होता है लैक्टेट के अंदर लैक्टेट के दो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे फॉर्म हो रहा है तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन इज़ ए बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच ग्लूकोज एंड अदर सिक्स कार्बन सुगर्स की ग्लूकोज या फिर दूसरी सिक्स मेंबर वाले सुगर ऑल्सो द डाई ऑफ सिक्स कार्बन सुगर की जैसे कि सुक्रोज में यूज़ करता हूँ या फिर मेरे पास लैक्टोज है तो ये सब है डाय फ्रॉम सिंपल सुगर्स सुक्रोज और लैक्टोज आर कन्वर्टेड इनटू सेल्युलर एनर्जी की ये जो दो एटीपी हमें मिलते हैं वो हो गई सेल्युलर एनर्जी एंड द मेटाबोलाइट लैक्टेट कि ये हो गया मेटाबोलाइट लैक्टेट और सेल्युलर एनर्जी कौन सी है तो ये वाली दो ए नेट आपको मिल रहे हैं वो हो गया सेल्यूलर एनर्जी एंड हेयर इज द मेटाबोलाइट लेक्टेड तो ये है लैक्टिक एसिड का फर्मेंटेशन की स्पेशली जब मिल्क हाउ डज द मिल्क टर्न इन टू द योगर्ट कि योगर्ट जो है वो काफी फेमस है बहुत सारे लोगों को ये योगर्ट जो है वो काफी पसंद होता है खाने के अंदर तो ये जो योगर्ट कैसे बनता है तो आपको पता होना चाहिए कि जो ये लैक्टोज है कि जो मिल्क सुगर है उसका ये जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है उससे बनता है लैक्टिक एसिड और उसके लिए लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या फिर लैक्टोबेसिलस बैक्टीरिया हम यूज़ करेंगे कि लेक्टोबेसिलस बैक्टीरिया लेक्टोबेसिलस बैक्टीरिया समझो कि मैंने यहाँ पे यूज किए तो अब क्या होता है ये वाला समझो पॉइंट ये स्टेप कि क्या लिखा है कि एसिड यहाँ पे लिखा है कि एसिड कोजिस कैसिन कि जो मिल्क प्रोटीन है टू डी नेचर एंड होल्ड वाटर इनटू ए सेमी सॉलिड जेल कि जो मिल्क प्रोटीन होता है मिल्क प्रोटीन का होता है डी तो उसका क्या हुआ डी हुआ और डी नेचर होके लास्ट में हमें जो जेल uh, मिलती है जेल लाइक स्ट्रक्चर कि जो होगा हमारा ये योगाट। सो द पायरोट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ग्लूकोज मेटाबोलिज्म मे बी फर्मेंटेड इंटू द लेक्टिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन इज़ यूज टू कन्वर्ट लेक्टोज इंटू लेक्टिक एसिड इन योग प्रोडक्शन की जब योग का प्रोडक्शंस किया जाता है कि लार्ज स्केल पर जब आप योगट बनाते हैं इंडस्ट्रियल इस्पेशली जो डेयरी टेक्नोलॉजी के अंदर या फिर डेयरी साइंस के अंदर जो योगट डेवलप किया जाता है तो उसके लिए ये प्रोसेस लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की यूज़ की जाती है तो ये है तीसरी टेक्निक लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की बेज ऑन रेस्पायरेशन कि जो माइक्रोब्स के अंदर जो रेस्पिरेशंस की जो प्रोसेस होती है उसके बेसिस पे हमने ये तीन अलग अलग टाइप्स उसके डिस्कस किए अब दूसरे जो तीन टाइप है बेज ऑन द कल्चर कि किस टाइप का आप कल्चर यूज़ करते हैं किस टाइप की उसकी जो टेक्निक है प्रोसेस किससे होती है तो बैच फर्मेंटेशन होता है कंटिन्यूस फर्मेंटेशन होता है एंड फैड बैच फर्मेंटेशन तो फर्स्ट है कि बैच फर्मेंटेशन कि जब आप कोई सिंगल बैच लेते हैं बैच फर्मेंटेशन इज लाइक ए सिंगल बैच एक ही सिंगल बैच के अंदर जब कोई प्रोसेस होती है कि सिंगल बैच समझो कि टाइम है टोटल फिफ्टीन आवर्स का टाइम पे टाइम के लिए आप फर्मेंटेशन कर रहे हैं सिंगल बेच एंड उसके लिए आपके पास ये स्टार्टिंग मटेरियल और लास्ट में आप फिफ्टीन आवर्स के बाद आपको मिलेगा ये एंड प्रोडक्ट तो ये है आपका एज सब्सट्रैक्ट एंड दैट इज योर एंड प्रोडक्ट तो स्टराइल न्यूट्रिय सब्सट्रैक्ट ये है आपके पास स्टराइल न्यूट्रिएंट सबस्ट्रैक्ट इनोक्यूलेटेड ग्रो ऑन नो मोर ऑफ द प्रोडक्ट इज़ बींग मेड और हार्वेस्टेड एंड क्लीन आउट फॉर अनदर रन कि जो भी टाइम लिमिट था उसके बाद आपको ये एंड प्रोडक्ट मिलती है एंड प्रोडक्ट मिलने के बाद आपका जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा वो होगा क्लीनिंग का क्लीनिंग दैट इक्विपमेंट कि आप इक्विपमेंट को क्लीन कर दोगे आफ्टर दिट दिस सिंगल रन कि एक बार आपने ये रन किया सिंगल बैच के लिए उसके बाद उसका जो टाइम लिमिट था फिफ्टीन आवर्स का वो कंप्लीट होने के बाद एपरेटर्स को आप अच्छे से क्लीन करके वॉश करके फिर से रख देते हैं तो ये है सिंगल बैच फर्मेंटेशन टेक्निक जिसको हम बैच फर्मेंटेशन भी कहते हैं तो उसके अंदर चार अलग अलग फेज से काम होता है कि फर्स्ट फेज है वो उसका कहा जाता है लेग फेज एडेप्ट टू देयर सराउंडिंग मतलब कि जस्ट स्टार्टिंग फेज हम कह सकते हैं दिस इज योर स्टार्टिंग फेज या फिर इनिशियल फेज है उसके बाद एक्सपोनेंशियल ग्रोथ या फिर ग्रो इन नंबर्स अब जो है वो माइक्रोबियल जो है वो ग्रोथ करना स्टार्ट कर रही है तो उसको हम ग्रोथ पीरियड भी कह सकते हैं कि यहाँ पे अब काफ़ी अच्छी अमाउंट में माइक्रोब्स जो है वो ग्रो हो रहे हैं थर्ड जो स्टेज आएगा उसका वो है स्टेशनरी फेज स्टॉप ग्रोइंग कि एक्सपोनेंशियल फेज के अंदर माइक्रोब ने अच्छे से ग्रो कर लिया अब ऐसी कंडीशन है कि स्टॉप द ग्रोविंग एंड जो फोर्थ उसका जो फेज है वह है डेथ फेस कि अब माइक्रोस जो है वह कंप्लीटली डेथ हो रही है या फिर उसको डिक्लाइन फेज भी कहा जाता है कौन सा फेज डिक्लाइन फेज तो अब यह समझो कि आप ग्राफिकली समझोगे तो और समझ आ जाएगा तो अब देखते हैं उसका यह ग्राफ तो ये ग्राफ के अंदर देखो आप तो सबसे पहले ये जो y एक्सिस है और यहाँ पे हमारा है ये x x एक्सिस पे हमने टाइम लिया है कि समझो कि वन सेंटीमीटर इज इक्वल टू वन आवर हमने यहाँ पे लिया है तो आप देख सकते हैं कि ये जीरो फिर ये वन आवर सेकेंड थर्ड फोर एंड फाइव उसके बाद ये देखिए सिक्स सेवन एट नाइन और टेन फिर मैं यहाँ पे इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोटीन एंड फिफ्टीन बिकॉज एटलीस्ट फिफ्टीन आवर्स के लिए ये मैं प्रोसेस करवा रहा हूँ बैच फर्मेंटेशन की और यहाँ पे है लॉग सेल नंबर्स पर एम एल ऑफ़ फर्मेंटेशन मीडिया कि टेन रेज टू सिक्स टेन रेज टू सेवन टेन रेज टू एट टेन रेस टू नाइन तो इस तरह से माइक्रोब्स की जो ग्रोथ है वो यहाँ पे दिखाई दे रही है तो आप फर्स्ट फेस देखिए ये लेग फेस यहाँ पे मैं ये पूरा अटैच कर रहा हूँ ये वाला जो फेस तो ये वाला देखो आप ये जीरो से लेकर वन आवर का जो पीरियड है ये वाला तो वहाँ पे माइक्रोब्स का जो ग्रो लेवल है कि समझो कि टेन रेस टू सात के बीच में ही है टिल वन आवर के तक जब फर्मेंटेशन चालू भी कर दिया है और वन आवर तक अभी ग्रोथ चालू नहीं हुई है इनिशियल स्टेज में है तो उसको हम कहेंगे लेग फेस उसके बाद देखो आप सेकंड कि वन आवर से ये जो अब स्टार्ट हो गया है कि ये जो लाइन जो अब इंक्रीज हो रही है तो ये लाइन को आप देखेंगे तो कंप्लीटली इंक्रीज हो रही है लाइन मतलब कि एक्सपोनेंशियल पीरियड है ये कि यहां पे आके फिर ये रुक जाता है तो यहां से मैं नीचे पॉइंट समझो कि अटैच करता हो तो ये छः वाली लाइन में ऊपर तक ले जाऊंगा तो आप देखिए ये वाला जो पीरियड बिटवीन वन से लेकर सिक्स आवर के बीच में तो वो पीरियड कहा जाएगा ये एक्सपोनेंशियल या फिर उसको हम कहेंगे ग्रोथ पीरियड ये ग्रोथ पीरियड के अंदर माइक्रोब्स जो है वो बेस्ट फर्मेंटेशन के अंदर अच्छे से ग्रो कर रही है अब जो तीसरा जो फेज आता है कि वो फेज़ ऐसा है कि अब सेचुरेशन आ चुका है अब जो है वो माइक्रोब्स की ग्रो नहीं हो रही है तो इतना जो साइकिल आप देखो कि छः से लेकर बारह तक का जो पीरियड है कि एटलीस्ट ये सिक्स अवर का ये पीरियड है ये वाला जो देखे तो ये फाइव अवर्स का पीरियड है और ये स्टार्टिंग का पीरियड है एटलीस्ट वन आवर तो यहां तक जो है वो देख सकते हैं कि स्टेशनरी फेस डिसन मतलब कि ये जो है वो एक ही लाइन में हो रहा है मतलब कि जैसे जैसे टाइम तो इंक्रीज हो रहा है कि छः से लेकर सात घंटे हुए आठ घंटे हुए नौ दस ग्यारह बारह बट माइक्रोब्स की हम देखें तो टेन रेस टू नाइन के अराउंड ग्रोथ हो गई है तो उसके बाद अब माइक्रोब्स आगे जो है उनकी ग्रोथ नहीं हो रही तो ये जो पीरियड है वो अब सैचुरेटेड पीरियड भी कहा जाएगा कि अब माइक्रोब्स जो है वो आगे ग्रो नहीं कर रहे हैं और ये पीरियड जैसे ही कंप्लीट होगा तो आ जाएगा डेथ और डिक्लाइन पीरियड कि वहाँ पे ये जो ग्राफ अब नीचे की ओर आ रहा है कि अब माइक्रोब्स जो है वो जितने ग्रो होने थे हो रही है और अब उनका जो टाइम पीरियड खत्म होने के बाद उनकी डेथ होना स्टार्ट हो रही तो आखिर के ये जो थ्री आवर्स होंगे लास्ट थ्री आवर्स तो ये हो जाएगा डेथ और डिक्लाइन फेज तो इस तरह से स्टेशनरी फेस स्टॉप ग्रोविंग ग्रोइंग नंबर्स सेकेंड फेज फर्स्ट फेज लेग फेज तो ये चारों फेज अच्छे से आपको याद रखने हैं ऑफ़ दिस बेच फर्मेंटेशन टेक्निक इसका आपको अच्छे से स्क्रीन लेना हो और ये स्क्रीन लेकर आप एग्ज़ाम के अंदर भी ड्रॉ कर सकते तो थोड़ी देर के लिए ये वाली स्लाइड रखते हैं तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो फिर मैं ये एनोटेशन हटा देता हूँ उसके बाद भी आप एक और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं प्लेन वाला सो अभी आप ये वाला स्क्रीनशॉट ले लो विथ एनोटेशन और अब मैं एनोटेशन हटा रहा हूँ ओके okay, तो विदाउट एनोटेशन का भी ये वाला स्क्रीन आप ले सकते हैं बैच फर्मेंटेशन के ये अलग अलग जो चार फेजेस जो आपको एग्ज़ाम के अंदर ड्रॉ करने हैं नेक्स्ट कंटिन्यूस फर्मेंटेशन टेक्निक कि अब क्या है कि कंटिन्यूस में क्या है कि सबस्ट्रैक इज एडेड कंटिन्यूसली टू द फर्मेंटर मतलब कि ये सिंगल बैच नहीं बट ये मल्टीपल बैच हम कह सकते हैं कंटिन्यूस फर्मेंटर या फिर मल्टीपल बैचेस फर्मेंटेशन कि एक बैच हुई उसके बाद तुरंत आप सेकंड बैच लेते हैं थर्ड बैच तो इस तरह से कंटिन्यूसली सबस्ट्रैक इज एडेड कंटिन्यूसली टू फर्मेंटर एंड बायोमास और प्रोडक्ट्स आर कंटिन्यूसली रिमूव एट द सेम रेट कि जिस तरह से आप सब्स्ट्रैक ऐड कर रहे हैं कि सबस्ट्रैक समझो कि मैं फ़ाइव एम पर मिनट के रेट से सबस्ट्रैक को ऐड कर रहा हूँ तो सेम रेट से नीचे आउटलेट में से भी मैं फाइव एम पर मिनट के रेट से प्रोडक्ट को आउटलेट में से रिमूव करता रहूँगा तो उसका मतलब क्या हुआ एक साइड से ये सब्स्ट्रैक इनलेट हो रहा है और सेम रेट से प्रोडक्ट जो है वो आउटलेट हो रही है मतलब कि ये जो सिंगल प्रोसेस नहीं है मल्टीपल बैचेस के अंदर कंटिन्यूस ऑपरेशन उसका चालू है सो अंडर दिस कंडीशंस द सेल्स रिमेन इन लॉगरिथमिक फेज ऑफ ग्रोथ अब ये इसमें क्या होगा कि ये जो हम वो ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो लेग फेज आने के बाद जो सेकंड फेज रहता है ग्रोथ फेज का तो माइक्रोब्स जो है वो कंटिन्यूसली ग्रोथ फेज के अंदर ही रहेंगे इन दिस कंटिन्यूस फर्मेंटेशन टेक्निक सेकंड है अब अब तीसरा जो हमारा टाइप फैड बेच फर्मेंटेशन की उसके अंदर क्या है कि सबस्ट्रैक इंक्रीमेंट एज द फर्मेंटेशन प्रोग्रेसिस कि जैसे जैसे फर्मेंटेशन uh, की प्रोग्रेस होती है सबस्ट्रैक का भी आप इंक्रीमेंट करते रहते हैं एंड स्टार्टेड एज बैच वाइज विथ ए स्मॉल सबस्ट्रैक कॉन्सेंट्रेशन की फैड बैच फर्मेंटेशन की बैच वाइज आप उसके अंदर क्या करते हैं सबस्ट्रैक जो है वो इंक्रीमेंट करते रहते हैं उसके अंदर और इस तरह से फर्मेंटेशन उसका चालू रखते हैं इनिशियल सबस्ट्रैक इज कंज्यूम एंड एडिशन ऑफ फर्मेंटेशन मीडियम की जो इनिशियल समझे कि मैंने यहाँ पे फर्मेंटर के कैपेसिटी के अकॉर्डिंग टू मैंने एटलीस्ट समझे कि ट्वेंटी लीटर जितना सबस्ट्रैक ऐड किया था वो कंज्यूम हो गया तो फिर से मैंने दूसरा ट्वेंटी लीटर उसके अंदर ऐड कर दिया है तो ये क्या हुआ कि जितना भी ये कंज्यूम हो जाता है तुरंत मैं उसके अंदर इंक्रीमेंट कर देता हो और प्रोसेस को चालू रखता हूँ तो ये है आ, फैड बेच फर्मेंटेशन कि उसका भी हम ग्राफ देखें यहाँ पे कि टाइम अवर और सब्स्ट्रैक एंड बायोमास कंसंट्रेशन तो सब्स्ट्रैक की कंसंट्रेशन समझो कि जैसे ही आ, समय के जाते डाउन होती है तो सामने हम वॉल्यूम जो है वो उसका इंक्रीज करते हैं बाय एडिशन की डेथ पीरियड तो आता है बट एक जो इनिशियल सबस्ट्रैक होगा उसका जैसे ही डेथ साइकिल में वो जाता है तो सामने से हम नया सॉफ्टवेयर ऐड करके एक नई साइकिल उसके अंदर चालू रखते हैं तो ये है फैड बेच फर्मेंटेशन प्रोसेस इस तरह से आप उसको समझा सकते हैं अब जो हमें जाननी है फर्मेंटेशन की जो टेक्निक्स की दो टेक्निक्स से हम फर्मेंटेशन करते हैं फर्स्ट है सरफेस कि जिसको सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन कहा जाता है एंड ये वाला फर्स्ट एंड दिस इज द सेकंड वन की सबमर्स टेक्निक्स uh, और यह है हमारा सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन टेक्निक तो सॉलिड स्टेट में क्या हुआ है तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कल्टिवेटेड ऑन सरफेस ऑफ लिक्विड और सॉलिड सब्सट्रैक्ट जो आपका सब्सट्रैक्ट है वो ज़्यादातर सॉलिड होगा या फिर लिक्विड और उसकी सरफेस के ऊपर ये आप फर्मेंटेशन करवाओगे इसलिए ये कहा जाता है सरफेस सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन टेक्निक कॉम्प्लिकेटेड है काफी टेक्निक एंड रेयरली यूज इन इंडस्ट्री उसके एग्जांपल है कि मशरूम ब्रेड कोकोआ एंड टेम्पे लाइक सो एक प्रकार की वो सोया uh, प्रोडक्ट है उसको जो है वो डेवलप किया जाता है तो ये था सरफेस या फिर सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन टेक्निक और उसकी जो सेकंड टेक्निक है सब मर्जन टेक्निक जिसके अंदर लिक्विड मीडियम या फिर सेमी सॉलिड भी यूज होता है कि स्वामी सेमी सॉलिड जितना जैसा आपके पास मीडियम है तो उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करवाई जाती है तो ग्रो इन है यहाँ पे ग्रो इन मीडियम जबकि यहाँ पे ग्रो ऑन सरफेस मतलब कि समझो कि ये मेरे पास कोई कल्चर मीडिया है कि लाइक मैं पैट्रेडिस जैसा लेता हूँ पेट्रेडिस के अंदर कोई सॉलिड मैंने फिल किया हुआ है फर्मेंटेशन मीडिया और उसकी सरफेस के ऊपर मैं माइक्रोब्स की कॉलोनी डेवलप करता हूँ तो इस तरह से मुझे ये एक दो तीन और चार अलग अलग कॉलोनीज़ मुझे डेवलप होके मिलती है मशरूम की तो ये कैसे टेक्निक कही जाएगी कि, कि सरफेस के ऊपर कि साइड में से मैं देखूँ तो ये डिश है यह उसका यहाँ तक मेरा मीडिया फिलअप किया हुआ है और मीडिया की ये जो सरफेस है सरफेस के ऊपर माइक्रोब्स ने ग्रो ग्रो किया जबकि इसके अंदर क्या होगा कि ये फार्मेंटेशन की जो एक टैंक है और यहाँ तक मैंने मीडिया फिलअप किया है तो मीडिया के अंदर यर इन लिक्विड मीडियम माइक्रोब्स ग्रो कर रहे हैं उसकी जो एग्जाम्पल है कि बायोमास प्रोटीन एंटीबायोटिक्स एंजाइम एंड सेवेज ट्रीटमेंट्स आर कैरिड आउट बाय सबमर्जन प्रोसेस की जो सेवेज वगैरह होते हैं उसकी जो ट्रीटमेंट है ये इस तरह के ये टेक्निक से परफॉर्म की जाती है तो उसके एडवांटेजेस क्या है तो प्रिजर्व एंड एनरिच फूड इंप्रूव द डाइजेस्टिबिलिटी एंड एनहांस द टेस्ट एंड फ्लेवर ऑफ फूड्स तो फर्मेंटेशन के काफ़ी ये एडवांटेज है कि प्रिजर्व करता है एनरिच इज द फूड एंड इंप्रूव इट्स डाइजेस्टिबिलिटी लाइक जो योगर्ट है तो योगर्ट कर्ड वगैरह जो डाइजेस्टिव में काफ़ी ईजी है बिकॉज डायरेक्टली जो मिल्क प्रोटीन है उसका डी होके ही फर्दर आपको योगट है बटर मिल्क है कर्ड वगैरह आपने डेवलप किया इसीलिए हम कई बार खाना खाने के बाद उस टाइप के फूड प्रीफर करते हैं टू इम्प्रूव अवर डाइजेस्टेबिलिटी बिकॉज उसके अंदर ये जो माइक्रोब्स होते हैं वो कैसे होते हैं गुड बैक्टीरिया या फिर गुड माइक्रोब्स कि जो हमारे गट है बाउल मूवमेंट के लिए काफ़ी अच्छी है और हेल्दी एन्वायरमेंट प्रोड्यूस करते हैं हमारे इंटेस्टाइन के अंदर कि जिसके कारण फूड अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है तो वो एक एडवांटेज है ये फर्मेंटेशंस की बनी प्रोडक्ट का प्लस उसका टेस्ट एनहांस होता है फ्लेवर्स एनहांस करते हैं कि जो हम अलग अलग बेकरी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं उससे हम ऑलरेडी वो सब हम जानते हैं फिर पोटेंशियल एनहांसिंग द फूड सेफ्टी बाय कंट्रोलिंग द ग्रोथ एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर ऑफ पैथोजेंस इन फूड की जो पैथोजेंस की जो मल्टीप्लीकेशंस है उनको कंट्रोल करके फूड की सेफ्टी एनहांस करते हैं फर्मेंटेशन इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू ह्यूमन न्यूट्रिशन पर्टिकुलर इन डेवलपिंग कंट्रीज वेयर इकोनॉमिक प्रॉब्लम पोअर पोज अ मेजर बेरियर इन एंस्योरिंग फूड सेफ्टी कि फ़ूड सेफ्टी के अंदर इसका एक काफ़ी एक बहुत बड़ा रोल है फर्मेंटेशन का कि वो काफ़ी कंट्रीब्यूट करता है न्यूट्रिशंस के अंदर लो एनर्जी कंज़प्शंस ड्यू टू द माइल्ड ऑपरेशन कंडीशन रिलेटिवली लो कैपिटल एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट रिलेटिवली सिंपल टेक्नोलॉजी की फर्मेंटरसन इतनी कॉम्प्लीकेशन टेड टेक्निक नहीं है लो एनर्जी कन्ज्पसंस उसमें यूज़ होता है एंड ऑपरेटिंग कंडीशन भी काफ़ी इजी एंड सिंपल है दे वॉज हाईली स्पेसिफिक एंड कंट्रोल चेंजेस टू फूड बाय यूजिंग द एंजाइम्स अलग अलग एंजाइम यूज़ करके हम फूड को प्रोसेस करते हैं प्रिजर्वेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द फूड वेस्ट ट्रीटमेंट भी की जाती है फर्मेंटेशन से एंड लास्ट में हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी हम बहुत सारे डेवलप कर सकते हैं कि एंजाइम्स के प्रोडक्शन में भी हेल्पफुल है एंटीबायोटिक्स काफ़ी प्रोड्यूस किए जाते हैं विटामिनस है वैक्सीन है, है तो वो सब हमने देखे थे एडवांटेजेस, एप्लीकेशंस है फार्मेंटेशन की सेकंड साइड देखिए हम डिसएडवांटेजेस की, कई बार जो हजार ईर्स माइक्रोबियल कॉन्टेमिनेसन हो सकता है इन फार्मेंटेड फूड तो वो आपको ध्यान रखना है कि कई बार हम देखते हैं कि जो ब्रेड वगैरह है पाव वगैरह यूज़ करते हैं तो उसके ऊपर कई बार आ, जो हम देखते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ हार्मफुल फंगाई जल्दी से डेवलप हो जाती है तो उस वक्त आपको अच्छे से उसको प्रिजर्व करके रखना होता है तो कई बार ऐसे हजारयस माइक्रोबियल कंटैमिनेशन हो सकता है उसके अंदर द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉल्ट इन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेड फीस प्रोडक्ट एंड कॉन्टामिनेशन ऑफ एस्पारजीरस फ्लेवर्स इन ट्रेडिशनल स्टार्टर कल्चर ऑफ राइस वाइन एंड सोयाबीन सॉस रिजल्ट इन सेवन रिजल्ट इन सीवियर फूड पॉइजनिंग कि कई बार समझे कि अलग अलग जो हार्मुल माइक्रोर्गन लाइक एस्पारजिलस का कॉन्टेमिनेशन हो जाता है फर्मेंटेटेड प्रोडक्ट के अंदर तो वो फूड पॉइजनिंग जो है वो कर सकता है एंड हेल्थ के ऊपर कई बार ओबेसिटी कैंसर वगैरह होते हैं कि जब आप एक्सेसिव अमाउंट में इस टाइप के प्रोडक्ट यूज करते हैं तो यह है फर्मेंटेशन कि इज मीन टू हार्वेस्ट एनर्जी फ्रॉम फूड इज एम्प्लॉयड बाय सिंपले सिंगल सेडल ऑर्गेनिजम्स कि जिसके अंदर यीस्ट है एग टू टर्न गारेज इनटू टू ह्यूमन कि जो हम कई बार बायोगैस जो प्रोड्यूस करते हैं कि जो वेस्ट होता है गैरबेज वगैरह उसका हम फर्मेंटेशन करवा के बायोगैस प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं कि जो हम बायोगैस को यूज़ कर सकते हैं फर्दर अलग अलग तरीके से फिर समझो कि यस्ट है तो यस्ट को हम अलग अलग ग्रेप जूस को यूज़ करके वाइन और फर्दर उसमें से हम इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड डेवलप कर सकते हैं एक और यहाँ पे देखे कि बर्न फ्यूल इन एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल ऑन एरोबिक प्रोसेस फिर एडवांस सेल एज बैकअप टू रेस्परेसन स्टर्नियस एक्सरसाइज डिप्लिएट्स ऑक्सीजन इन मसल सेल लीड टू लैक्टिक एसिड बाय प्रोडक्ट और स्वर्नेस इन मसल्स और ये जो लैक्टिक एसिड बाय प्रोडक्ट्स है वो हम फर्दर योगट वगैरह डेवलप करने में यूज़ कर दे तो ये है बहुत सारी बेनिफिट्स फिजियल एप्लीकेशन ऑफ ए फर्मेंटेशन आगे जो हमें सीखना है डिटेल में रिगार्डिंग द स्टडी ऑफ मीडिया कि किस तरह से ये मीडिया बनाया जाता है मीडिया के लिए जो सोर्स है वो कौन से है अलग अलग कि कार्बन के लिए कौन से सोर्स यूज करेंगे नाइट्रोजन के लिए कौन से सॉल्ट हम कौन से डालेंगे विटामिन से माइक्रोन्यूट्रिय कौन से यूज करेंगे तो सभी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे part 3 of this chapter fermentation so till then subscribe the channel and press on the bell icon and never miss any video of farmer rocks